एशिया कप से बाहर हो सकते हैं शाहीन अफरीदी। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बट ने कहा कि ऐसे में भारत के खिलाफ मैच हो सकता है मुश्किल। नमस्कार, मैं मोनाली और आप देख रहे हैं न्यूज 28। पीवीसी यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पिछले हफ्ते ही एशिया कप T20 टूर्नामेंट के लिए टीम का ऐलान किया था। टीम में तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी का भी नाम शामिल था, लेकिन टूर्नामेंट से ठीक पहले ही वह चोटिल हो गए और अब उनके खेलने पर संशय बना हुआ है। शाहीन को इसी महीने की शुरुआत में श्रीलंका के खिलाफ खेलते हुए घुटनों में चोट लगी थी। फिलहाल शाहीन अब भी अनफिट हैं और इसी बीच एशिया कप की शुरुआत 27 अगस्त से होने जा रही है। पाकिस्तान की टीम अपने अभियान की शुरुआत भारत के खिलाफ दुबई में 28 अगस्त को करेगी। हालांकि शाहीन पाकिस्तान की टीम के साथ नीदरलैंड के दौरे पर जा रहे हैं। वहीं पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने कहा है कि टीम के डॉक्टर और फिजियो तेज गेंदबाज का ख्याल रख रहे हैं और शाहीन खेलेंगे या नहीं खेलेंगे इसका अंतिम फैसला टीम मैनेजमेंट लेगा। अब इस पर पाकिस्तान के पूर्व कप्तान सलमान बट ने भी अपनी राय रखी है और बताया है कि भारत के खिलाफ या एशिया कप में शाहीन का न होना पाकिस्तान के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। बट ने आगे कहा कि वह लगातार पीसीबी से शाहीन को आराम देने की अपील कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनता ही नहीं है। बट ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, शाहीन के न रहते पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक शानदार और प्रभावी नहीं होगा। हालांकि यह युवा तेज गेंदबाजों के लिए बेहतरीन मौका है। नसीम शाह और शहनवाज दहानी को साबित करने का मौका मिलेगा कि वह भी जिम्मेदारी उठा सकते हैं। हमने हमेशा शाहीन के कंधों से भार हटाने की बात की है और उन्हें हर जगह नहीं खिलाने की अपील की है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है।